के मुकाबले में अगर दो टीमें बराबरी की हों तो जीत किसकी होनी चाहिए? यकीनन ये मुश्किल सवाल है जिसका जवाब सिर्फ बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कप्तान के पास होता है। आईपीएल नेशनल ओपन चैंपियनशिप में भी यही हुआ। जिंदल पैंथर्स के सामने शानदार फॉर्म में चल रही टीम जिंदल पावर थी, मुकाबला कांटे का था, लेकिन पैंथर्स के कप्तान नवीन जिंदल ने अपने टॉप फॉर्म से जिंदल पावर को शिकस्त दे ही दी। IPA नेशनल ओपन पोलो चैंपियनशिप का रोमांच हर किसी के सर चढ़कर बोलने लगा है। इसी बीच जिंदल पैंथर और जिंदल पावर के बीच जोरदार मुकाबला खेला गया, जिसमें पहले बाजी जिंदल पावर के हाथों में नजर आ रही थी, लेकिन आखिरी मिनटों में शानदार खेल दिखाते हुए जिंदल पैंथर ने मुकाबले को अपने नाम कर लिया। नवीन जिंदल की कप्तानी में जिंदल पैंथर की टीम में शामिल थे सिमरन शेरगिल, अभिमन्यु पाठक और रिकार्डो न्यूनेस। दूसरी ओर जिंदल पावर की टीम बशीर अली, अंगद कलान, अंगद सिंह संधू और शमशीर अली जैसे दिग्गजों के साथ खेल रही थी। मुकाबला शुरू होते ही जिंदल पैंथर ने गोल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनका कोई भी खिलाड़ी गोल नहीं कर पा रहा था। दूसरी ओर जिंदल पावर की टीम के अंगद कलान ने बैक टू बैक दो गोल करते हुए अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। पहले चक्कर के बाद जिंदल पावर का स्कोर था 2, तो जिंदल पैंथर का खाता तक नहीं खुला था। दूसरे चक्कर में जिंदल पैंथर के सिमरन शेरगिल ने अपनी टीम का खाता खोला, तो जिंदल पावर ने भी इस चक्कर में एक गोल कर दिया। दूसरे चक्कर के बाद जिंदल पावर की टीम ने मैच में 3-1 से बढ़त बना ली। तीसरे चक्कर में भी जिंदल पावर ने अपनी पावर दिखाई और इस चक्कर में भी दो गोल कर दिए। इस चक्कर में जिंदल पैंथर की ओर से रिकार्डो ने इकलौता गोल किया। तीसरे चक्कर के बाद जिंदल पावर का स्कोर था 5, तो जिंदल पैंथर का स्कोर था 2। चौथे चक्कर में जिंदल पैंथर के कप्तान नवीन जिंदल ने गोल करने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली। कप्तान का ये गोल जिंदल पैंथर की टीम के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं था। इसी तरह कप्तान नवीन जिंदल ने गोल कर शानदार खेल दिखाया। उसके बाद जिंदल पैंथर की टीम चार्ज अप हो गई। चौथे चक्कर के बाद स्कोर था जिंदल पैंथर 3 और जिंदल पावर 8। अपने कप्तान के शानदार खेल के बाद जिंदल पैंथर की टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पांचवें चक्कर में जिंदल पैंथर टीम अपनी पूरी लय में नजर आई। इस चक्कर में अभिमन्यु पाठक की स्टिक से दो गोल निकले, तो सिमरन ने भी मौका देखते हुए एक गोल कर दिया। पांचवें चक्कर के बाद जिंदल पैंथर टीम जिंदल पावर से सिर्फ दो गोल पीछे रह गई। छठे चक्कर में भी जिंदल पैंथर का जलवा जारी रहा। आखिरी चक्कर के पहले 30 सेकंड में सिमरन और रिकार्डो ने बैक टू बैक दो गोल कर दिए। इसके बाद तो मुकाबले का रोमांच और ज्यादा बढ़ गया। इसी बीच आखिरी मिनटों में रिकार्डो न्यूज के शानदार गोल की बदौलत जिंदल पैंथर की टीम जीत गई। रोमांचक मुकाबले में जिंदल पैंथर ने जिंदल पावर को 9-8 से हरा दिया। जिंदल पावर को मिली कड़ी टक्कर के बाद जिंदल पैंथर का अगला मुकाबला अब रजनीगंधा अचीवर से होगा, जो कि जिंदल पैंथर के लिए आसान तो कतई नहीं है, लेकिन अचीवर्स के खिलाफ मिली जीत से फाइनल में जीत की उम्मीदें दोगुनी हो जाएंगी। स्पोर्ट्स टेक्स्ट टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। जिंदल पैंथर की शानदार जीत में नए खिलाड़ी अभिमन्यु पाठक ने एक अहम रोल अदा किया। अभिमन्यु से पूरे मैच का हाल जाना हमारे संवाददाता राहुल कात्यान ने।
आईपीए इंडियन पोलो चैंपियनशिप में जिंदल पैंथर की शानदार शुरुआत हुई है। जिंदल पैंथर ने जिंदल पावर को आखिरी पलों में, मतलब ये कहें कि बिल्कुल आखिरी चक्र में हराते हुए शानदार जीत दर्ज करते हुए एक तरह से फाइनल का टिकट लगभग अपना पक्का कर लिया है। हमारे साथ बात करने का अभिमन्यु, अभिमन्यु आज के मैच के बारे में कुछ बताइए। आज का मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए बिकॉज इस टूर्नामेंट में केवल 3 टीमें हैं। सो कल जिंदल पावर हार गई थी रजनीगंधा अचीवर्स है, सो हमारे लिए जीतना बहुत ज़रूरी था ताकि हम फाइनल्स पहुँचें। और ऑल्सो आज के मैच में परेशानी ये थी कि हमारे प्लेयर जॉन पॉल क्लार्केन वो किसी कारण आज आ नहीं पाए, वो इंडिया के बाहर हैं, वो कल आएंगे। सो उसके कारण हमारी पूरी टीम और पूरा लाइनअप चेंज करना पड़ा, जिसके कारण थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाने में टाइम लगा, इसलिए मैच के स्टार्टिंग में स्टार्ट अच्छी नहीं रही। बट बाद में आई थिंक सारे प्लेयर्स की स्ट्रैटेजी हमारी आपस में अच्छी बैठी। ऑल्सो सिमरन और मैं आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे थे, उससे भी फ़र्क पड़ा। सो आपस में खेलने से पोजिशनिंग का थोड़ा टाइम लगा अंडरस्टैंड होने का, और फिर लास्ट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। जिंदल पैंथर में आपका ये पहला मैच है इस सीज़न का, और जिस तरह से आप लोग का कोऑर्डिनेशन बना आखिरी के चक्कर में, और शुरुआत में जो दबाव था उसका भी कुछ एडिट प्रेशर आप लोगों पे होता है कि जो दबाव बना उसमें आप लोगों का खेल और ज़्यादा निखर के सामने आता है? दबाव में ये चीज़ होती है दैट जब जैसे हम लोग आपस में इतना खेलते इतने फाइनल्स पहुँचे हैं तो उससे प्रेशर बहुत बना रहता है, और कई बार टीम्स के अंदर कुछ प्लेयर्स पे प्रेशर आने से आई थिंक परफॉर्मेंस में थोड़ा फ़र्क पड़ता है। कई प्लेयर्स थोड़ा घबरा जाते हैं और कई प्लेयर्स थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं ताकि गेम को ढंग से समझ पाएँ। तो आई थिंक आखिरी में ग्राउंड ख़राब होने के कारण हम लोग थोड़ा स्लो करा गेम को, जिससे कि हमारे को फ़र्क पड़ा और गोल्स आए, इसलिए एक तरह से अच्छा हुआ हम लोग थोड़ा प्रेशर में थे, तो उस हिसाब से लास्ट में प्रदर्शन अच्छा रहा। आज का टर्निंग पॉइंट क्या रहा मैच का, जहाँ से आप लोगों ने वापसी की? आई थिंक टर्निंग पॉइंट हमारा चौथा और पांचवा चक्कर था, क्योंकि चौथे और पांचवे चक्कर में हमारे सबसे ज़्यादा गोल्स हुए और स्टार्टिंग में गोल्स काफ़ी मिस हुए, तो चौथे पांचवे चक्कर में टर्निंग पॉइंट काफ़ी अच्छा रहा। एंड अब उम्मीद है कल जो रजनीगंधा के अगेंस्ट गेम होगा वो बेटर होएगा। रजनीगंधा ने पहले मैच में जिंदल पावर को कड़ी टक्कर दी थी और 10-6 से हरा दिया था, उसके बावजूद जैसे जिस तरह से पावर टीम ने आप लोगों को मतलब मुकाबला ज़ोरदार दिया, तो अचीवर्स के खिलाफ कोई खास रणनीति के साथ उतरेंगे? देखिए ऐसे हर टीम का अलग स्ट्रैटेजी और प्लान रहता है, जैसे कल पहला गेम था अचीवर्स और जिंदल पावर का, इसलिए जिंदल पावर को थोड़ा टाइम लगा अचीवर्स को समझने में। सेम चीज़ आज हमारे साथ हुई जो कि कल उनके साथ हुई, आज जिंदल पावर इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और हम लोगों को टाइम लगा उस टीम को अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। सो आई थिंक अचीवर्स और हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट अभी खेले नहीं है इस टूर्नामेंट में, तो एक तरह से दोनों के लिए बैलेंस फील्ड रहेगी, एंड होपफुली जॉन पॉल के आने से टीम को और फ़र्क पड़ेगा। बेस्ट ऑल मेनू कल के लिए, थैंक यू। तो ये थे जिंदल पैंथर के अभिमन्यु पाठक, जो पहला गेम जिंदल पैंथर के साथ खेलते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से मुश्किलों का सामना करने के बावजूद टीम ने शानदार जीत दर्ज की। कैमरामैन रोहित के साथ राहुल कादियान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।